आज शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट। जो भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, आईटीआई की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बस संपन्न होने के कगार में हैं। बहुत ही जल्द आप सबकी परीक्षाएं होंगी, तो हमने जो कुछ भी आज तक पढ़ा है तो उसका हम एक बार सेल्फ असेसमेंट करेंगे, सेल्फ टेस्ट के द्वारा एक बार असेसमेंट करेंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका हम डिस्क्रिप्टिव वर्णन भी करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टेस्ट। चित्र में दिखाए गए उपकरण या पार्ट का नाम बताएं। व्हाट इज दिस? जो ये चित्र में दिखाया गया है ये क्या है, ये आप सबको बताना है। 5 सेकंड का टाइम ले लेके हम ये क्वेश्चन करेंगे, 5 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। चलिए बताते हैं। चित्र में दिखाया गया जो ये उपकरण है इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? कार्बोरेटर का काम होता है कि जो फ्रेश एयर है और फ्यूल का जो क्या करना है, मिक्सचर बनाना है। फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना के और फिर सिलेंडरों में भेजना है, ये होता है कार्बोरेटर का कार्य। अगला क्वेश्चन है, इसमें चित्र में दिखाया गया ये क्वेश्चन देखेंगे आप। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताना है, ये उपकरण क्या है? तो 5 सेकंड का टाइम लेके आप सबको ये क्वेश्चन बताना है। चलिए बताते हैं। ये इस उपकरण का नाम है चीजल। क्या नाम है इसका? चीजल। चीजल इसका नाम है, चीजल मतलब छेनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रेशर की इकाई क्या है? प्रेशर की इकाई क्या होती है? किलोग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्या होती है? किलोग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के कहाँ जाता है? ऑप्शन में देखेंगे, पेट्रोल भीतर जाता है। डीजल इंजन के भीतर कौन जाता है? पेट्रोल भीतर जाता है कि डीजल भीतर जाता है कि डीजल हवा की आपूर्ति की जाती है या सिर्फ हवा की आपूर्ति की जाती है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के अंदर सिर्फ हवा की आपूर्ति की जाती है। किसकी आपूर्ति की जाती है? हवा की आपूर्ति की जाती है। यहाँ देखेंगे एक कट सेक्शन मॉडल दिखाया गया है। इसमें देखेंगे कि यहाँ ये क्या लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, वो सॉरी इंजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये वो लगा हुआ है, हीटर बल्ब लगी हुई है या ग्लो प्लग इसको बोलेंगे, ग्लो प्लग लगा हुआ है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर है, बॉल वगैरह लगी हुई है, पिस्टन है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन अप डाउन मोशन करता है। तो इसके अंदर, ये सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में क्या जाता है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में केवल एयर जाती है। क्या जाती है? केवल एयर जाती है। और जो फिर फ्यूल है वो कहाँ जाता है? वो इंजेक्टर के माध्यम से कंबस्टन चैम्बर में स्प्रे होता है। और यहाँ का जो ये भाग है, सक्शन स्ट्रोक में कैसे चलता है पिस्टन? सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC की तरफ चलता है, ऊपर TDC होता है, नीचे BDC होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान ज़्यादा कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का जो तापमान है वो ज़्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है आप सभी बताएंगे? पिस्टन के शीर्ष में। कहाँ होता है? पिस्टन के शीर्ष में। यहाँ एक पिस्टन दिखाया गया है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन का शीर्ष यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होता है? जैसे हम देखेंगे कि एक ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन रहता है, ठीक, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है गजन पिन के माध्यम से। और फायरिंग कहाँ होती है? फायरिंग ऊपर होती है ना, तो आग ऊपर जलती है। जब आग ऊपर जलेगी तो सबसे ज़्यादा तापमान किसको सहन करना पड़ेगा? ऊपर वाले भाग को ही सहन करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे पिस्टन का जो शीर्ष है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वहीं पे हीट डैम बनाया जाता है, ठीक। ये यहाँ पर देखेंगे रिंग ग्रुप कटे हुए हैं, दो रिंग ग्रुपों के बीच के भाग को क्या कहेंगे? रिंग लैंड बोलते हैं। यहाँ रिंग दिखाई गई हैं, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, और ये क्या है? ये गजन पिन है। ये क्या है? गजन पिन है। इसी के माध्यम से क्या होता है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा जाता है, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड सिरे को जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ से कहाँ तक चलता है?
यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं TDC से BDC या BDC से TDC या BDC से नीचे या TDC से ऊपर। यहाँ एक कट सेक्शन मॉडल भी दिखाया गया है आप सबको, थोड़ा सा जूम करेंगे ये देखेंगे पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में कहाँ से कहाँ चलता है। हमने पढ़ा है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है BDC होता है, ऊपर क्या होता है BDC होता है। BDC ये जैसे ये देखेंगे यहाँ पे एक क्या दिखाया गया है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर पिस्टन है जैसा कि हमने पिछले वाले स्लाइड में भी बताया था। अब क्या होता है कि यहाँ पे होता है TDC और यहाँ नीचे क्या होता है BDC होता है, ये फ्लाई व्हील दिखाई गई है यहाँ पे। तो सक्शन स्ट्रोक में कैसे चलता है, नीचे की तरफ चलता है TDC से BDC, कंप्रेशन स्ट्रोक में BDC से TDC, पावर स्ट्रोक में TDC से BDC और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में कैसे चलता है BDC से TDC की तरफ चलता है। ठीक, तो ये हमारे पिस्टन के मोशन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हीटर प्लग का इस्तेमाल किसको गर्म करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ईंधन पंप, फीड पंप, इंजेक्टर या कंबस्टन चैम्बर। तो जो हीटर प्लग होता है जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे, जो हीटर प्लग होता है वो कैसा होता है, वो एक तरह का प्लग होता है जो कि जो ये इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन की, ये कार्बन की राड इसमें लगी होती है। ये कार्बन की राड क्या होती है, आग की तरह जलती है, इसमें जैसे ही करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या करता है कि ये इस कंबस्टन चैम्बर को गर्म कर देता है। गर्म करने से क्या होता है कि जो हमारी गैसें रहेंगी वो बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, जब इंजेक्टर एयर उसका सॉरी फ्यूल का इंजेक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, जो गैसें रहेंगी गर्म रहेंगी पहले से, वो फ्यूल के संपर्क में आने से क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। जैसे ही जलेंगी तो हमको क्या मिलेगा, पावर प्राप्त होगा और हमारा जो इंजन है वो चलने लगेगा। तो हीटर प्लग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कंबस्टन चैम्बर को गर्म करने के लिए। अब इस चित्र में कुछ भाग दिखाए गए हैं, जैसे देखेंगे कि एक नंबर में क्या है, पिस्टन है, कहाँ है ये है, ये पिस्टन है। इंटेक वाल्व कहाँ है, ये दो नंबर में है, ये दिखाई गई है, इंटेक वाल्व दिखाई गई है। ठीक, ये है इंटेक वाल्व है। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर के बारे में देखेंगे, फ्यूल इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, ये फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है ये यहाँ पे। फिर ग्लो प्लग, ग्लो प्लग किसे बोलते हैं, वही हीटर प्लग को क्या बोलते हैं, ग्लो प्लग बोलते हैं, ये यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिस्टन किस धातु से बनाई जाती है, पिस्टन किस धातु से बनाई जाती है। तो हम सबको पता है पिस्टन किस धातु से बनाई जाती है, बताएंगे पिस्टन किसकी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम एलाय की। किसकी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम एलाय की बनाई जाती है, मतलब एल्यूमिनियम मिश्र धातु की पिस्टन बनाई जाती है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप सब इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पिछले भी उसमें बता चुके हैं, ये क्या है, ये गजन पिन है। गजन पिन का कार्य क्या है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड सिरे से। ये ऊपर का भाग हेड हो जाता है और यहाँ पे रिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये लॉक हैं जो गजन पिन को लॉक करके रखती हैं। ये क्या है, रिंग है, क्या है रिंग, कौन कौन सी रिंगें लगती हैं, दो प्रकार की रिंगें लगती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की रिंगें लगती हैं, कौन कौन सी, कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्क्रैपर रिंग। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पेट्रोल इंजन का सिद्धांत, पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो पेट्रोल इंजन होता है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो स्टार लगा के रख लीजिएगा आप सब लोग। पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लास में आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में बताया गया है, ठीक, वो ऑटो साइकिल कैसे होता है और डीजल साइकिल कैसे होता है। जो डीजल इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो डीजल साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में नॉकिंग कैसे होती है, नॉकिंग डॉट 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 से होती है। ऑप्शन है हमारे पास, पहले जलने से,
देरी में जलने से, जलने के थांभे रखने से, या इनमें से कोई नहीं। तो अब थोड़ा ये क्वेश्चन जो ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा यहाँ पर चित्र पे देखेंगे। चित्र पे देखेंगे, यहाँ ये हमारा क्या है, कंबस्टन चैम्बर है। ये इसमें भी देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो फायरिंग हो रही है इस वाले में, वो एक ही जगह से हो रही है। जो फायरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, एक ही जगह से हो रही है, यहीं से जलना प्रारंभ हो रहा है। जलना कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से, और धीरे 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 आग यहाँ चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है, चारों तरफ फैल रही है, और जैसे ही आग फैलेगी तो ये वो क्या करेगी, वो पिस्टन को धक्का देगी। जब पिस्टन को धक्का देगी तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, पावर मिल जाएगी, अब हमारा इंजन काम करने लगेगा। लेकिन उसके विपरीत नॉकिंग की अगर बात करें, नॉकिंग कैसे होती है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक ही जगह जल रहा था, लेकिन लेकिन जब इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ भी जल रहा है, देखेंगे यहाँ भी जल, यहाँ से भी जल रहा है, यहाँ से भी जल रहा है, और यहाँ से भी जल रहा है। जब तीन तीन जगहों से जलती हैं कंबस्टर चैम्बर में, तीन तीन जगहों से या दो जगहों से आग लगती हैं, तो यहाँ से भी विस्फोट हो रहा था, यहाँ से भी विस्फोट हो रहा था, और यहाँ से भी विस्फोट हो रहा था। तो क्या होता है कि ये सारे जाके आपस में टकराते हैं। जब टकराते हैं तो नॉकिंग की आवाज़ या खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब किन्हीं नॉकिंग की आवाज़ कैसे होती है, किन्हीं दो चीज़ों के आपस में लड़ने से तो होती हैं, तो इसी तरह क्या होता है कि ये नॉकिंग होती है इसमें। और ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये कारण बताते हैं। क्या होता है कि जब हमारे सिलेंडर के अंदर, ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये क्या है जिसमें पिस्टन चलता है, वो क्या है, वो सिलेंडर है। जब सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन जमा हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बन जमा हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन जमा हो गया, यहाँ भी कार्बन जमा हो गया। जब कार्बन जमा हो जाता है तो वो आग जलने पर वो जो कार्बन है ना, वो जलता रहता है, वो बुझता नहीं है, वो जलता रहता है और लाल एकदम गर्म रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि जब हमारे सिलेंडर के अंदर फ्रेश चार्ज आया, यहाँ से फ्रेश चार्ज आया, इनलेट बाल्ब से फ्रेश चार्ज आया, वो फ्रेश चार्ज क्या रहता है कि ऑटोमेटिक गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म ही रहता है, और उसमें फ्यूल एयर का मिक्सचर भी रहता है। और ये क्या करता है, ये एक तरह से स्पार्क प्लग का कार्य कर देता है। जो ये गर्म गर्म जो कार्बन रहता है जमा हुआ, ये गर्म रहता है, ऑटोमेटिक बता के रखे हैं, जैसे आग मिलती रहती है तो ये गर्म होता रहता है। ये क्या करता है कि ये एक तरह से स्पार्क प्लग का कार्य कर देता है। ठीक, ये जलाने का कार्य कर देता है इसको पहले से ही। तो यहाँ से भी जला, यहाँ से भी जला, और यहाँ से भी जला, तो आपस में टकराने से क्या हुआ, नॉकिंग की आवाज़ होती है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर डीजल इंजन का टर्बो चार्जर कैसे चलता है, डीजल इंजन का टर्बो चार्जर कैसे चलता है। हमारे पास ऑप्शन है, इनलेट हवा से, दहन गैस से, लुब्रिकेंट ऑयल पंप से, या इनमें से कोई नहीं। दहन गैस मतलब एग्जॉस्ट गैस से। ठीक, तो आज हम टर्बो चार्जर के बारे में समझेंगे कि टर्बो चार्जर कैसे कार्य करता है। देखेंगे कि ये हमारा इंजन दिखाया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा क्या है, इंजन दिखाया गया है। इंजन जो फ्रेश चार्ज आ रही है, ये देखेंगे नीली नीली, हल्की नीली नीली लाइन से दिखाई गई है, लेकिन जो एग्जॉस्ट गैस है वो रेड लाइन से दिखाई गई है। यहाँ से देखेंगे एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट पाइप से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए निकल जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर का संबंध किससे है, यहाँ देखेंगे ये टर्बो चार्जर लगा हुआ है, टर्बो चार्जर का संबंध किससे है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। किससे है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से टर्बो चार्जर का संबंध है। जब टर्बो चार्जर का संबंध एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से है, मतलब एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा ही टर्बो चार्जर चलाई जाती हैं। इस प्रकार के टर्बो चार्जर में जो सुपर चार्जर को चलाने के लिए अलग से शक्ति लगानी पड़ती थी, वो क्या हो रही है, नहीं लगानी पड़ती है। एग्जॉस्ट गैसों में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उसी स्पीड का उपयोग करके टर्बो चार्जर को चलाया जाता है। इसमें एक होता है टर्बाइन, इस टर्बो चार्जर में होता है एक टर्बाइन होता है, एक होता है कंप्रेसर। टर्बाइन का कार्य क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसें हैं, एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से टर्बाइन घूमती है। ठीक, एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से क्या होती है, टर्बाइन, ये जहाँ ये जो दिखाया गया है, ये क्या है, ये टर्बाइन है, टर्बाइन व्हील है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जो टर्बाइन व्हील है वो एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर से घूमती है,
और जो ये कंप्रेसर वाली होती है, कंप्रेसर व्हील होती है, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए लिखा भी है कंप्रेसर व्हील, यहाँ पे चित्र पे दिखाया गया है। ये कंप्रेसर व्हील क्या करती है, हवा को कंप्रेस करके और फिर इंटरकूलर के माध्यम से और इसमें कहाँ भेजती है, सिलेंडर के अंदर भेजती है। ये पूरा सर्किट आपको दिखाया गया है बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दहन गैसों से। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डीजल इंजन का फ्लाई व्हील किसका बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाए गए हैं, लकड़ी, एल्युमिनियम, पीतल या स्टील। अब देखेंगे कि इस चित्र में देखेंगे कि ये फ्लाई व्हील दिखाई गई है। ये क्या है, फ्लाई व्हील, आप सभी लोग जानते हैं कि ये फ्लाई व्हील है, पिस्टन है, कनेक्टिंग राड है, और ये कनेक्टिंग राड है, और ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ये वाला हिस्सा क्या है, ये क्या है, ये कनेक्टिंग राड है। ये चित्र दो में दिखाया, दो नंबर में दिखाया गया है, देखेंगे ठीक। और ये क्या है, ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील किसका बना होता है, फ्लाई व्हील आप सब लोग पढ़ के रखे होंगे, फ्लाई व्हील कास्ट आयरन का लगभग बना होता है। किसका बना होता है, ढलवे लोहे का। लेकिन यहाँ पे ढलवा लोहा अगर ऑप्शन में नहीं है तो, चूंकि लकड़ी का तो बनाया नहीं जाता, क्योंकि फ्लाई व्हील किस लिए बनाया जाता है, फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है, फ्लाई व्हील का कार्य ये होता है कि जो पावर स्ट्रोक के समय शक्ति को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है। और जो तीन आइडल स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जास्ट स्ट्रोक, इनमें क्या होती है, इनमें हमको पावर तो मिलती नहीं है, लेकिन इनको चलाना भी जरूरी है। जब तक ये चारों साइकिल पूर्ण नहीं होंगे तब तक क्या होगा, हमारा, हमको पावर स्ट्रोक नहीं मिलेंगी ठीक। तो इन तीनों आइडल स्ट्रोक को चलाने का कार्य कौन करता है, फ्लाई व्हील करता है। तो इसका भारी होना भी जरूरी है, क्योंकि लकड़ी, एल्युमिनियम ये हल्की धातुएं हैं, पीतल हल्की धातुएं हैं, इसलिए ये किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से किसका इस्तेमाल क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को आश्रित करने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका इस्तेमाल क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को आश्रित करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, क्रैंक केस, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन रिंग और पिस्टन पिन। तो हम सभी जानते हैं कि जो ये पिस्टन लाइनर है, ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सिलेंडर के अंदर लगता है, सिलेंडर के अंदर लगता है। पिस्टन रिंग को आप सब जानते हैं कि ये गैसों को सील करने का कार्य करते हैं। पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन का क्या कार्य होता है, पिस्टन पिन का कार्य होता है कि कनेक्टिंग राड और पिस्टन को जोड़ना, पिस्टन पिन या गजन पिन। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, तो एक कौन बचता है, अब क्रैंक केस। अब बात करेंगे क्रैंक केस की, तो यहाँ चित्र आपको दिखाया गया है, चित्र में देखेंगे कि ये वाला भाग, जो निचला वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, क्रैंक केस कहलाएगा ठीक। तो क्रैंक केस में क्या बंधे होते हैं, ये जो फ्लाई व्हील है वो सीधे जाके यहाँ पे फिट हो जाएगी ठीक। कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे जाके फिट हो जाएगी, और इसी से कनेक्टेड क्या रहेंगे, क्रैंक शाफ्ट रहेंगे ठीक। तो क्रैंक केस और कैम शाफ्ट कहाँ पे फिट होते हैं, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट कहाँ पे फिट होते हैं, क्रैंक केस में होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इंजन बल्ब खोली जाती है। यहाँ पे चित्र में देखेंगे ऑप्शन, पहले आप ऑप्शन देख लेंगे कि इंजन बाल्ब किसके द्वारा खोली जाती है। तो ऑप्शन है कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, राकर आर्म और बाल्ब गाइड ठीक। तो इंजन बाल्ब को खोलने का कार्य कौन करेगा, इंजन बाल्ब को खोलने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये इंजन की बाल्ब दिखाई गई है। किस प्रकार की बाल्ब है, ये पपेट टाइप की बाल्ब दिखाई गई है, ये यहाँ पे दिखाई गई है ठीक, बाल्ब दिखाई गई है। अब बाल्ब को खोलने का कार्य कौन कर रहा है, बाल्ब को खोलने का कार्य कौन कर रहा है, ये दिखाया गया है कैम शाफ्ट। क्या दिखाया गया है, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के द्वारा क्या हो रही है, बाल्ब को खोला जा रहा है। ये देखो, ये कैम शाफ्ट दिखाया गया है, कैम शाफ्ट की में जो ये लगी हुई है कैम, ये क्या करती है कि ये कैम जो होती है इसको उठा देती है, किसको, टैपेट को। क्या करती है, ये जो टैपेट लगा हुआ है यहाँ से, इस टैपेट को क्या करती है, उठा देती है। जब टैपेट उठता है तो इसके साथ लगा हुआ पुश राड, ये क्या हुआ है, पुश राड, ये पुश राड जो है टैपेट की, जैसे ही टैपेट उठी यहाँ से, ये घूमा तो कैम के माध्यम से टैपेट उठा, टैपेट उठा तो पुश राड को भी उठा दिया। अब जब पुश राड उठेगा
तो यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ है, देखेंगे ये क्या है, ये रॉकर आर्म है। ये क्या है, ये रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म में यहाँ पे एक फलक्रम लगा हुआ है। जब पुसराड इस रॉकर आर्म के इस वाले हिस्से को, इस सिरे को ऊपर की ओर धकेलेगी, तो चूंकि यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है, ठीक, तो क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो उसके विपरीत विपरीत नीचे की ओर जाएगा। तो ये रॉकर आर्म क्या करेगी कि बाल्ब को दबाएगी, बाल्ब को दबाएगी। अब यहाँ पे लगी हुई है बाल्ब स्प्रिंग, क्या लगी हुई है, बाल्ब स्प्रिंग लगी हुई है। ये बाल्ब स्प्रिंग क्या करेगी कि जैसे ही रॉकर आर्म का दबाव, मतलब जैसे ही कैम शाफ्ट अपना दबाव छोड़ेगी, ठीक ना, दबाव ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, जैसे देखेंगे इस अवस्था में जब आ जाएगी तो ये क्या करेगा कि यहाँ से दबाव उठना भी बंद हो जाएगा, ठीक, यहाँ से भी बंद हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये स्प्रिंग अपने विपरीत दिशा में जाएगी, मतलब अपने पूर्व अवस्था में जाएगी, ठीक ना, अपने पूर्व अवस्था में जाएगी। और ये क्या करेगी, ये बाल्ब को यहाँ से उठा देगी, उठा देगी तो बाल्ब अपनी सीट में क्या होगी, चिपक जाएगी, बाल्ब सीट देखेंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैम शाफ्ट, क्या हो जाएगा, कैम शाफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे एक चित्र और बना हुआ है, इसको भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट में लगी हुई कैम लोब है, वो क्या करेगी, पहले देखेंगे यहाँ ये वाला छोटा वाला गोला, देखेंगे पहले यहाँ चल रहा था, फिर जैसे ही कैम लोब उठाएगी तो इस बड़े वाले गोले के बराबर राउंड कर देगी, मतलब उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जो ये टैपेड होगा, टैपेड उठाएगा किसको, पुसराड को, पुसराड किसको उठाएगी, राकर आर्म को, राकर आर्म जो कि फलक्रम से जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो इसको दबाएगा विपरीत दिशा में, यहाँ से उठेगा तो ये वाला हिस्सा इसको दबाएगा, किसको, बाल्ब को। तो बाल्ब खुल जाएगी और जो हमारा इनलेट मैनिफोल्ड होगा, या वो सॉरी इनलेट मैनिफोल्ड में फ्रेश चार्ज जो रहता है वो अंदर आ जाएगा, और एग्जास्ट मैनिफोल्ड से जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है, आशा करते हैं आप सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।